और एजुसेट 2004 में आया, उसके बाद आईसीटी पॉलिसी बनी थी 2012 में, और अभी हम एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो एक पूरा जो है वो ट्री चार्ट हमें दिखाया गया था, पूरी जर्नी हमें दिखाई गई थी। फिर एनईपी 2020 की रिकमेंडेशन ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन के ऊपर चर्चा की गई थी, जिसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्टल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ एप्स, वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड ऑनलाइन असेसमेंट एंड एग्जाम्स के ऊपर जो है वो हमने चर्चा की थी। और फर्स्ट सेशन के यूज़ एंड इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल एजुकेशन में, लास्ट में मेजर डिजिटल इनिशिएटिव्स, जिसमें पीएम ई विद्या दीक्षा जिसके ऊपर हम ट्रेनिंग कोर्सेज करते हैं, निष्ठा जिसके अंदर हम ट्रेनिंग कोर्सेज करते हैं, ई पाठशाला जिसमें हमारी क्लासेस की बच्चों के लिए जो है वो पुस्तकें होती हैं, स्वयं जिसमें हम जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म है ये, वर्चुअल लैब्स के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला गया था, साइबर सेफ्टी की गाइडलाइंस के बारे में बताया था, और लास्ट में एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लैब के बारे में बताया था। फिर उसके बाद सेकंड सेशन जो है वो डिजिटल रिसोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजी लर्निंग एंड असेसमेंट पर रहा, जो कि प्रोफेसर इंदु मैम ने प्रेजेंट किया था, जिसमें डिजिटल रिसोर्सेज में ई टेस्ट, वीडियो, ऑडियो, साउंड, वॉइस, इमेजेस, साउंड इफेक्ट्स और ग्राफिक्स पे जो है वो पूरा पिक्चराइज करके जो है वो इंदु मैम ने हमें दिखाया था, समझाया था। फिर फॉर्म ऑफ ई कंटेंट की जो है वो चर्चा की गई थी, जिसमें माइंड मैप, मैप्स, इंस्ट्रक्टिव मीडिया, ऑडियो, वीडियो, इंफोग्राफिक्स, एनिमेशन एंड स्लाइड शो जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, उसके ऊपर जो है वो चर्चा की गई थी। और इसी सेकंड सेशन में जो है वो यूज़ ऑफ डिजिटल कंटेंट क्लासरूम प्लान के बारे में भी मैम ने बताया था, जिसमें प्री लेसन, मिड लेसन और पोस्ट लेसन पे जो है वो चर्चा की गई थी। थर्ड जो सेशन था वो डॉक्टर भारती मैम ने प्रेजेंट किया था, जो कि एसेसिबल डिजिटल कंटेंट के ऊपर रहा, जिसमें बात की गई थी कि कैसे हम एक ड्रॉप आउट रिड्यूस ग्रुप आउट लिखा मैम सॉरी ड्रॉप आउट रेट्स जो कि रिसोर्सेज की कमी के कारण जो हो जाता है उसके ऊपर चर्चा की गई थी, जिसमें स्पेशली SEDG जो कि सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप पर था, जिसमें NEP 2020 में जो है वो इसके ऊपर खास फोकस किया गया है, जिसमें जिसके पांच जो है वो पिलर्स हैं, जिसमें जेंडर आइडेंटिटीज, सोशल कल्चरल आइडेंटिटीज, ग्राफिकल आइडेंटिटीज, माइग्रेंट कम्युनिटीज और डिसेबिलिटीज के ऊपर था, जिसमें जेंडर आइडेंटिटीज में फीमेल एंड ट्रांसजेंडर के ऊपर चर्चा की गई थी, वहीं जो है वो सोशल कल्चरल आइडेंटिटी में जो है वो SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज पे चर्चा की थी, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज में जो है वो जो रिमोट एरियाज होते हैं, विलेज होते हैं, जो स्मॉल हमारे सिटीज होते हैं उन पर जो है वो चर्चा की थी। और सबसे जो महत्वपूर्ण जिसके ऊपर थर्ड सेशन रहा वो डिसेबिलिटीज का था, जिस पर चर्चा की गई थी। और उसके बाद में असेसेबल ई कंटेंट क्या होता है उसके ऊपर जो है मैम ने हमें बताया था, जिसमें स्पेशली ये बात थी कि कैसे हम कोई ई कंटेंट विदाउट डिसेबिलिटी और विद डिसेबिलिटी दोनों के लिए यूजफुल जो है वो हम बना सकते हैं। तो इसी के अंदर जो है वो अंत हुआ था कि हमें कैसे जो है वो दीक्षा के ऊपर जो है वो ई कंटेंट फाइंड आउट करना है, जो एसेसिबल ई कंटेंट है वो दीक्षा के ऊपर कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये तीनों सेशन में हमने इनके ऊपर चर्चा की थी। थैंक्स फ्रॉम हरियाणा टीम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही डीपली और इतनी अच्छे से आपने इसको समझाया और सारे ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स आपने कवर किए। इससे समझ आता है कि आप लोगों ने सेशन को अच्छे से एंजॉय भी किया और उससे काफी कुछ सीखा भी। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट हिमाचल टू प्रेजेंट देयर समरी। हिमाचल से कौन है यहाँ पर जो प्रेजेंट करेंगे? यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल, रिस्पेक्टेड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर इंदु कुमार मैम, डॉक्टर गुलशन मैम, डॉक्टर प्राची मैम,
Dr. Monica Nagpal ma'am, and entire team CIT NCRT who have joined this session, and all participants from different states. Myself, Mangesh, will summarize the after-lunch session on behalf of HP. Ma'am, meri aapse ek request hai ki mere paas thoda sa technical issue ho gaya hai. Main apni summary aapse group mein share kar dungi, but verbally I have summarized all things. To hamara jo after lunch session raha, wo bahut hi wonderful session tha with Dr. Bharti ma'am, Head DICT CIET on accessible digital resources, जिसमें मैम ने हमें बहुत अच्छे से नीट एंड स्कोप ऑफ एक्सेसिबल डिजिटल रिसोर्सेज की किस तरह से जो है ये रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट में हेल्प करता है, अकोमोडेट डाइवर्सिटी एंड प्रमोट इंक्लूजन जो कि नीट भी है, और आफ्टर दैट जो है इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई, विच मीन्स अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर इन स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी लर्न टुगेदर. उसके बाद सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एनईपी 2020 की बात के बारे में बताया गया, जिसमें जेंडर आइडेंटिटीज, सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज, जियोग्राफिक identities, socio-economic conditions and disabilities under RPWD Act 2016 के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया. After that, supporting CWSN की किस तरह से हम children with special needs जो students है उनको support कर सकते हैं in regular schooling, enabling mechanism for CWSN and by assistive जो devices है उसकी help से and orienting their parents and sensitizing and awareness with other students also. उसके बाद accessible e-content में like sign language इन सब की बात की गई, और after that हमारा जो एक wonderful session रहा ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड लाइसेंसेस के ऊपर, जो कि डॉक्टर मोनिका नागपाल मैम ने बहुत अच्छे से हमें बताया, जिसमें कॉपीराइट, पब्लिक डोमेन और ओईआर के बारे में बताया गया, कंसेप्ट ऑफ कॉमन क्रिएटिव मींस एन अल्टरनेटिव लाइसेंसिंग अप्रोच, और इसमें हमें फोर जो राइट्स अंडर सीसी है उसके बारे में बताया गया, फर्स्ट वन एट्रीब्यूशन, सेकेंड शेयर अलाइक, थर्ड नॉन कमर्शियल एंड फोर्थ वन नॉन डेरिवेटिव. इन चारों राइट्स को यूज करके किस तरह से हम सिक्स टाइप्स के जो लाइसेंस है वो क्रिएट कर सकते हैं, उसका पूरा डेमो भी हमें दिया गया, जिसके अंडर फर्स्ट वन एट्रीब्यूशन दैट इज सीसी बाय, सेकेंड एट्रीब्यूशन नॉन डेरिवेटिव सीसी बाय एनडी, एंड थर्ड वन एट्रीब्यूशन शेयर अलाइक सीसी बाय एसए, and fourth one attribution non commercial cc by nc, and fifth one attribution non commercial non derivative cc by nc nd, and sixth one attribution non commercial and share alike that is cc by nc sa. In charon ke bare mein sorry in 6 ke 6 जो लाइसेंस है इसके बारे में नॉलेज दी, किस तरह से हम इनकी मिक्सिंग कर सकते हैं और कंटेंट्स हम कहाँ से ले सकते हैं वो सारा हमें बताया. आफ्टर दैट हाउ टू एट्रीब्यूट, इसमें टैसल की बात की गई, टाइटल, ऑथर, सोर्स एंड लाइसेंस इसके बारे में बताया, देन एथिकल यूज जो हम कंटेंट का कर सकते हैं, डिफरेंट सीसी सर्च लाइक गूगल एडवांस सर्च, क्रिएटिव कॉमन सर्च, एक्सपर्ट एटसेट्रा इसके बारे में बताया गया, देन मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के बारे में बताया, जिसमें विकिमीडिया कॉमन्स, जमेंडो फॉर म्यूजिक, ओ लैब्स फॉर ऑनलाइन लैब्स, और भी काफी सारे जो है मैम ने हमें बहुत अच्छे से बताए. आफ्टर दैट हमारा जो है एक वंडरफुल सेशन प्रोफेसर इंदु कुमार मैम के साथ रहा, जिसमें मैम ने हमें इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग विद एन एम्फेसिस ऑन स्क्रिप्ट राइटिंग एंड स्टोरी बोर्डिंग के बारे में बताया. सबसे पहले इसमें पेडागोजिकल कंसिडरेशन के ऊपर बात की गई, जिसमें लर्निंग थ्योरीज, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हुई. आफ्टर दैट डेवलपमेंट प्रोसेस की, जब हम कंटेंट डेवलप करते हैं तो उन ड्यूरिंग दैट
हमें किस किन स्टेप्स का ध्यान रखना है वो बहुत अच्छे से मैम ने हमें बताया, जिसमें स्टेप्स इन स्क्रिप्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, कि जब हम स्क्रिप्ट डेवलप करते हैं तो उसे उसमें हमें किन किन स्टेप्स को लेकर चलना है। आफ्टर दैट डिवाइसेस ऑफ होल्डिंग चिल्ड्रंस अटेंशन, बिकॉज जो भी हम जो है कंटेंट डेवलप कर रहे हैं वो बच्चों के लिए है, तो हम किस तरह से बच्चों की अटेंशन या बच्चों को हम एंगेज कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है, तो उसमें हमें किन किन डिवाइसेस को वो करना है वो सारा बताया गया। आफ्टर दैट एलिमेंट्स ऑफ अ गुड स्क्रिप्ट, जो एक अच्छी स्क्रिप्ट है उसके क्या क्या एलिमेंट्स है उसके बाद उसके बारे में बताया और हमें मैम ने दिखाया भी। फिर आफ्टर दैट व्हाई वी नीड स्टोरी बोर्ड, कि हमें स्टोरी बोर्ड की जो है वो जरूरत क्यों है, बिकॉज ये बेस्ट वे है अपना विजन शेयर करने का और इससे जो हमारा टाइम है वो भी बच जाता है। आफ्टर दैट टिप्स ऑफ स्टोरी बोर्ड, स्टोरी बोर्ड के बारे में टिप्स हमें दिए गए कि हम किस तरह से स्केच इट मेथड का यूज करके जो है स्टोरी बोर्ड कर सकते हैं एंड व्हाट वी नीड फॉर इट, मतलब हमें इसके लिए और किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, लाइक सोर्स ऑफ मूविंग एंड स्टिल इमेजेस, मीन्स ऑफ इम्पोर्टिंग, मतलब हमें पीसी में इसे अगर इम्पोर्ट करना है, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया। आफ्टर दैट डिफरेंट कैमरा शॉट्स की जो है बात की गई कि किस तरह से वाइड शॉट, लॉन्ग शॉट, माइल्ड शॉट, मीडियम मीडियम क्लोजअप, क्लोजअप, इन सारे जो है हमें इवन दिखाया भी गया। और उसके बाद पहिए का आविष्कार की स्क्रिप्ट और वीडियो हमें दिखाई गई। फिर एलिमेंट्री लेवल के लिए क्लासिफिकेशन जो है मैथ्स का भी वो भी हमें दिखाया गया। और फिर जो है हाउ वी कैन एक्सप्लोर दीक्षा पोर्टल फॉर एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स बाय एनसीईआरटी एंड स्टेट्स, वो भी मैम ने हमें पोर्टल पे जो है डेमो करके दिखाया। तो विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू एंड माई स्पीच एंड on behalf of SCRT Himachal Pradesh extend my heartfelt thanks to course director professor Amrind P. Behra, joint director CIT NCRT, program coordinator professor Indu Kumar ma'am, entire team organizing this event and participants from different states. Thank you ma'am, thanks a lot. थैंक यू सो मच मैम, आपका इतना इलेबोरेटिव जो आपका आपने इतने अच्छे से इलेबोरेटिव वे में अपनी समरी जो प्रेजेंट की बहुत मतलब बहुत ही अच्छी थी। इसे समझ आया कि हाँ वाकई में जो सेशंस किए गए थे और इनका पर्पस था कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो, तो वो चीज दिख रही है कि हाँ वाकई में आपने उससे जो है वो कुछ सीखा है और उसको आप आगे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। So now I am moving towards to the next session. Before that, I would like to request to Achi ma'am, you are on. Yes. So I request to all participants kindly rename yourself. I could see there are some participants who are joining just like Aarti's iPhone. So please request है कि आप लोग अपने आप को रीनेम कर लीजिए, तो ये हमें भी आसानी होगी आपको रिकॉग्नाइज करने में, अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो आप दो मिनट हैं अभी, आप हम 10:05 पे स्टार्ट करेंगे, दो मिनट में आप लोग सभी पार्टिसिपेंट्स प्लीज रीनेम कर लीजिए अपने स्टेट कोड के अकॉर्डिंग। स्टेट कोड आपको पता है, ग्रुप में भी शेयर किया गया है, आप तो आप स्टेट कोड के अकॉर्डिंग रीनेम कर लीजिए। अदरवाइज अगर कोई भी ऐसा होगा जो रीनेम नहीं होगा, जैसे अपने ही नेम से होगा, हम नहीं उसको कंसीडर करेंगे, हम मीटिंग से निकाल देंगे, क्योंकि आपको बताया गया है कि आपको जूम मीटिंग में अपने कोड के साथ ही अपने आप को रीनेम करके आपको मीटिंग अटेंड करनी है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है। तो आप प्लीज सभी लोग अपने आप को रीनेम कर लीजिए। आर्शी कौर मैम प्लीज रीनेम योरसेल्फ। आरतीज आईफोन
who is Aarti ma'am. Please rename yourself. क्या आप लोगों को मतलब अगर कोई डाउट है कि रीनेम कैसे करना है तो आप अगर जूम मीटिंग में थ्री अपने नेम के ऊपर आप कर्सर को लेकर जाएंगे, अगर आप डेस्कटॉप से कर रहे हैं ज्वाइन या मोबाइल से भी कर रहे हैं, थ्री डॉट्स आएंगे उस पर आप क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आएगा. मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ, अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्या रीनेम करने में, आप रीनेम क्यों नहीं कर पा रहे. दीपक आप भी कर लो ये. ये सैमसंग A536E आरती's iPhone. आरती मैम कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड योर माइक. अमनजोत मैम please namaskar ma'am. How we can rename ourselves? Madam, मैं जयप्रकाश मिश्रा from हिमाचल प्रदेश. मैं कल से रीनेम कर रहा हूँ बट रीनेम नहीं हो रहा है सर. अच्छा आप. I am attending meeting regularly from last day. आप देख सकते हैं आप अपने कोड स्टेट कोड के साथ आपका नाम अभी आ रहा होगा. जया मैम गुड मॉर्निंग मैम. मैम एक तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड कीजिए, मुझे दो तीन दिन पहले वहां से किसी ने रिमूव किया था. अभी क्या न्यू आईडी और पासवर्ड क्या था मुझे इसका मीटिंग का पता नहीं था और मैं आधे घंटे से पिछले वाले आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश कर रही हूँ. आपको किसने रिमूव किया ग्रुप से मैम? मैम मुझे नहीं पता वो नंबर, बट मुझे ग्रुप में दो तीन बार मैसेज किया है. आप किस जया मैम? हेलो यस मैम. हाँ मैम आप हमें अपना चेक कर लेंगे. आपका नंबर वही था जिस नंबर से आप पहले ग्रुप में थी? जी मैम वही नंबर है. वी विल चेक. ठीक है मैम आप रीनेम कर लीजिए अपने आप को. मैम मैं कर चुकी हूँ जया RJ@JaYA तोलानी के नाम से. नहीं मैम हमें तो अभी भी आपका नाम जया ही शो हो रहा है. ठीक है मैम मैं वापस कर देती हूँ. हाँ ये जितेंद्र सिंह सर. मैम हेलो. हाँ जी मैम मैं आज मैं मोबाइल पे रीनेम कर नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज थोड़ा बताएंगे? अच्छा आप स्टेट बता दीजिए प्लीज, अपने स्टेट का नाम बताइए. हरियाणा मैम. हरियाणा. अच्छा ठीक है सर. मैम मैंने अपना नाम रीनेम कर दिया है जया तोलानी के नाम से. जी 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 ठीक है मैम. आरशी कौर मैम प्लीज अगर आप मीटिंग में है तो अपना कैमरा स्विच ऑन करिए प्लीज. आरशी कौर मैम सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स टू आवर नेक्स्ट सेशन. So for this session, I would like to invite Dr. Gulshan Mufeed ma'am. She is senior academic consultant in CIT NCERT. And this session is on graphic resources, concept, purpose, type,
development process and hands on. Gulshanam, are you there in the meeting? Yes, Prachi ma'am. And thanks. So we are already late for the sessions, and participants are already requesting to start the session. So we are starting for this. शुरू करते हैं अपना सेशन जो हमारा आज है. इट इज अबाउट ग्राफिक रिसोर्सेज कंसेप्ट पर्पस टाइप्स डेवलपमेंट प्रोसेस एंड हैंड्स ऑन. तो जैसे कि कल इंदु मैम के सेशन में आप लोगों ने अभी रिपोर्टिंग भी करी, आप सबने अटेंड किया था. मैम ने कल आपको इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट इन्फोग्राफिक्स, क्या होते हैं इन्फोग्राफिक्स, टाइप्स ऑफ इन्फोग्राफिक क्या क्या है. तो इस सब को लगे आप थोड़ा सा अवेयर है कि इन्फोग्राफिक्स क्या है. इसी को हम डिटेल में आज के सेशन में कवर करेंगे कि इन्फोग्राफिक क्या है और इन्फोग्राफिक कैसे क्रिएट कर सकते हैं. और क्रिएशन के लिए जो आज हम आईसीटी टूल यूज करेंगे, जो कवर करेंगे, उस टूल का नाम है कैनवा. तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन से. मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. 2 मिनट 2 सेकेंड बस लगेंगे. तो ग्राफिक रिसोर्सेज इन एजुकेशन, कल हम बात कर रहे थे इन्फोग्राफिक्स की. इन्फोग्राफिक्स जो टर्म है वो मिलके बनी है दो टर्म से, इन्फो प्लस ग्राफिक्स, यानी इंफॉर्मेशन अबाउट ग्राफिक्स. तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ग्राफिक्स होते क्या है. कल के मैम के सेशन में भी मैम ने ये एक्सप्लेन किया था, इन दो मैम के सेशन में, कि ग्राफिक्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं. बहुत डिटेल्ड सेशन कल मैम ने लिया था. तो ग्राफिक्स किस किस प्रकार के होते हैं, किन क्या टाइप्स हैं ग्राफिक्स की. ग्राफिक्स जो होते हैं वो इमेज होते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का, किसी भी ऑब्जेक्ट का. और किस प्रकार के होते हैं ग्राफिक्स. ग्राफिक्स चार्ट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, मैप्स की फॉर्म में हो सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई मान लीजिए कोई आप डायग्राम से आप कुछ सिखाना चाहते हैं अपनी क्लास में, डायग्राम की हेल्प से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वर्बली आप उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा आपको लगता है कि बच्चे समझ नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम चार्ट्स बनवा लेते हैं. चार्ट्स में पूरा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है और उसको लेबलिंग की हेल्प से जो है आप उस कॉन्सेप्ट की माइन्यूट डिटेल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं. तो क्या होता है, चार्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का. इसी तरीके से मैप्स, आप भली भांति जानते हैं कि मैप्स क्या होते हैं, नक्शे क्या होते हैं, और नक्शों से हमें क्या मदद मिलती है, क्या हेल्प मिलती है. कोई भी लोकेशन अगर हमको ढूंढनी है तो वो मैप्स की सहायता से जो है हम बहुत आसानी से सरल रूप में हम देख सकते हैं और ढूंढ सकते हैं. इसी तरीके से डायग्राम्स भी एक तरह का एग्जांपल है ग्राफिक्स का. तो डायग्राम ऐसा नहीं है कि साइंस में ही हम लोग यूज करते हैं, डायग्राम हम किसी भी सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए. सिमिलरली फोटोग्राफ्स भी जो है ग्राफिक का एग्जाम्पल है. इमेज अगर हम कोई दिखा रहे हैं वो भी ग्राफिक्स है. ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं ग्राफिक्स के. तो ग्राफिकल फॉर्म में अगर आप कुछ भी बच्चों के सामने रखते हैं, अपनी क्लास में रखते हैं सामने, तो वो चीज जो होती है समझने में बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाती है, बहुत सरल होती है. और इसकी क्या महत्वपूर्णता है, ग्राफिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है. ऑब्वियसली जब हम ग्राफिक्स का प्रयोग करते हैं अपने टीचिंग लर्निंग में, तो
वो जो कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ाने जा रहे हैं वो लंबे अरसे तक जो है बच्चा उसको याद कर सकता है, उसकी मेमोरी में जो है वो एक लॉन्गर टाइम के लिए रिटेन हो सकती है वो इंफॉर्मेशन या वो टॉपिक वो कॉन्सेप्ट जो भी आप पढ़ा रहे हैं। तो एक तो हमने दिया लेक्चर, ठीक है, क्लास में हमने वर्बली समझा दिया, लेकिन अगर उसी टॉपिक को आप चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे के सामने या डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हर बच्चा, क्लास का जो हर बच्चा है उसको आसानी से वो चीज जो है समझ में आएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बोल रहे हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली बच्चे तक पहुंच रही है, हमारे शब्दों के साथ साथ हमें वो चीज दिखानी भी जरूरी होगी जो हम बच्चे को समझाना चाह रहे हैं या बच्चे को पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जैसे क्लास में अगर आप पढ़ा रहे हैं फ्लावर के बारे में, एक फूल के बारे में पढ़ा रहे हैं कि फूल क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो आपने क्या किया, ब्लैक बोर्ड पे फूल का जो है फ्लावर का जो है एक पिक्चर बना दी और उसके हर पार्ट को लेबल कर दिया। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप रियल फ्लावर क्लास में ले गए और फिर उस रियल फ्लावर को आपने जो है एक एक पार्ट बच्चे को एक्सप्लेन किया, उसके जो पत्तियां हैं जो पेटल्स हैं उनको निकाला अलग और फिर बच्चे को बताया देखिए ये जो पत्तियां हैं फूलों की पत्तियों को पेटल्स कहा जाता है, फिर उस फूल के नीचे जो ग्रीन कलर की पत्ती है जो उस पौधे की पत्ती है, फिर आप कहेंगे इस पत्ती को जो है लीफ कहा जाता है जो कि पौधे की पत्ती है जो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, उसी तरह फूलों के जो है जो उसकी जो जिस डंडी से वो जुड़ा हुआ है उसको आप बोलेंगे ये फ्लावर स्टिक है, और फूलों के अंदर भी और बहुत से पार्ट्स होते हैं, वो सारे पार्ट्स आप एक एक चीज उसको निकाल के क्लियर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो जब हम इस तरीके का या तो हम रियल एग्जाम्पल के थ्रू हम बच्चे को समझाएं या फिर हम ग्राफिक्स का यूज करें, हम उसी को एक चार्ट की फॉर्म में जो है पार्ट ऑफ फ्लावर को चार्ट की फॉर्म में हम बच्चों के सामने रखते हैं, डिफरेंट कलर्स हम यूज करते हैं उस चार्ट को बनाने में, तो वो बच्चे को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आप सब टीचर हैं तो आप ये चीज बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि हम छोटी क्लासेस में स्पेशली जब पढ़ाते हैं, इनफैक्ट 12वीं क्लास का बच्चा भी बहुत बड़ा नहीं होता, 12th क्लास के बच्चे को भी जब हम पढ़ा रहे हैं और हम एग्जाम्पल्स के लेके पढ़ा रहे हैं और हम ये अपनी जो टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स हैं उनको अगर हम यूज करें तो ऑब्वियसली बच्चे को समझने में ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि बहुत से आइडियाज इस एज में एब्स्ट्रैक्ट होते हैं बच्चे के लिए, वो सब चीजें उसने देखी नहीं होती, वो सब चीजें उसने एक्सपीरियंस नहीं की होती हैं, तो जब हम उन्हें देख के समझते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, इनफैक्ट हमारे लिए भी। ऑब्वियसली फिर जब आप ग्राफिक्स का यूज करते हैं तो बच्चा जो है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है किसी भी सब्जेक्ट की, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हो सकता है, क्लास के एक एक बच्चे को आप जो है उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो क्लासरूम है वो डाइवर्स लर्नर से मिलकर बना होता है, हर तरह का बच्चा हमारी क्लास में होता है, तो हमें तो एज अ टीचर हमें ये देखना है कि जो भी हम उस बच्चे तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जो आज हम लेसन प्लान लेके गए हैं, जो आज हमारा टॉपिक है पढ़ाने के लिए, उसे कम्प्लीटली हम हर बच्चे तक पहुंचाएं, तो हमें अपनी टीचिंग के साथ जो है टीचिंग एड्स का भी हम यूज करते हैं, वो टीचिंग एड्स जो होती हैं वो ग्राफिकल फॉर्म में अगर हो या तो बहुत अच्छा रहता है। कोई भी मुश्किल कॉन्सेप्ट जो है कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन जो है आप बहुत ही इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। ऑब्वियसली ग्राफिक्स कैन ऐड वैल्यूएबल कॉन्टेक्स्ट टू इंफॉर्मेशन, ग्राफिक्स प्रोवाइड्स यूनिक टाइम सेविंग रिसोर्स, इट कन्वे इंफॉर्मेशन क्विकली एंड इजीली टू मासेस, ये हम सब जानते हैं कि हम जब ग्राफिक्स का यूज करते हैं या ग्राफिकल फॉर्म में हम कोई भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उससे जो है टाइम सेव होएगा, क्योंकि हम दिखा के पढ़ा रहे हैं, दिखा के समझा रहे हैं, जब भी हम कोई चीज का एग्जांपल साथ लेके जा रहे हैं या उसको हम शो कर रहे हैं बच्चों को तो बच्चा जल्दी सीखता है। ये एक एग्जाम्पल है इंफोग्राफिक का, आप इसको थोड़ा गौर से देखें, इसमें इंफॉर्मेशन भी है और इसमें ग्राफिक भी है। जैसे ये दो आप देखेंगे दो ग्राफिक्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ये बताया है हाउ टू वियर अ नॉन मेडिकल फैब्रिक मास्क सेफली, और इसको समझाने के लिए क्योंकि हम ये इंफॉर्मेशन मासेस तक पहुंचाना चाह रहे हैं, अब हम सबको
जबानी तो बता नहीं सकते, इतनी बड़ी मास को जो हम बोल के नहीं बता सकते, तो हमने ग्राफिकल फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन बनाई और इसको हम जो है पहुंचा देंगे मासेस तक, चाहे हम सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचाएं, चाहे हम इसे पोस्टर्स के फॉर्म में पहुंचाएं। और इसमें आप देखेंगे हमने हैंड्स कैसे वॉश करना है वो बताया है, मास्क को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है वो बताया है, कैसे मास्क को लगाना है वो बताया है, और नीचे जो है हर पिक्चर के नीचे जो है छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। इसी तरह आप राइट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो ये भी एक इंफोग्राफिक का एग्जाम्पल है जिसको हमने जिसमें हमने चार्ट्स का यूज करा है। हम ये दिखाना चाहते हैं, एक पिक्चर ये है आर्टिकल्स वाली, ये सपोज आर्टिकल्स जो पब्लिश हुए हैं उसमें इस ईयर में कितने क्रिएट किए गए, कितने एडिट हुए और कितने व्यूज आए, व्यूअर्स के कितने व्यूज हैं। आर्टिकल्स में जो है टाइम के साथ कितने वर्ड जो ऐड किए गए, तो ये एक एग्जांपल है इंफोग्राफिक का। अब इंफोग्राफिक होते क्या है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंफोग्राफिक्स आर द ग्राफिकल विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा नॉलेज, किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आप ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे हम इंफोग्राफिक बोलेंगे। वेदर इट कुड बी डेटा, इट कुड बी एनी इंफॉर्मेशन, इट कुड बी एनी पीस ऑफ नॉलेज विच यू आर कन्वेइंग टू योर स्टेक होल्डर्स। एजुकेशन में इसके क्या क्या यूज है इंफोग्राफिक का, विजुअल एड की तरह हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीचिंग के साथ साथ जो है टीचिंग एड अगर होती है तो वो हम जो है अपने टॉपिक को इजी फॉर्म में इजी फॉर्मेट में जो बच्चे को समझा सकते हैं। तो इट कुड बी यूज एज अ विजुअल एड, इट कुड बी यूज एज अ डिस्कशन स्टार्टर। जैसे डिस्कशन स्टार्टर हम ऐसे कह सकते हैं कि आप जो है एक डायग्राम बना के ले गए, आज मुझे एक नया टॉपिक क्लास में स्टार्ट करना है और मैंने बस बच्चों को कल बताया कि आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के आना, कल हम ये वाला लेसन जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर मैं एक टीचिंग एड साथ में बना के ले गई और मैंने वो क्लास में जाके जो है लगा दी और मैंने बोला बच्चों को इसको ध्यान से देखो जो हमने टीचिंग एड बनाई है, ठीक है। फिर बच्चों को हमने जो है अब हम क्या कर रहे हैं डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चों ने उसको देखा, 5 मिनट हमने दिए उनको ऑब्जर्व करने के लिए, फिर हमने उस पर जो है जैसे कि क्लास में हम वो लोग इसके लिए यूज करते हैं ना सेट इंडक्शन वाली, इस तरीके से हमने जो है बच्चों से स्टार्ट करना शुरू करा सवाल करना कि बताओ तुमने उसमें क्या देखा, ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये जो पूरी एड जो हमने दिखाई है टीचिंग एड है इससे हम क्या समझाना चाह रहे हैं, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करें, उसको बेस मान के जो है फिर हमने जो है बच्चों के साथ सवाल स्टार्ट करें और उन सवालों को की हेल्प से जो है जो बच्चे हमें जवाब देंगे इन सवालों का उनसे हमने अपना टॉपिक जो है स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ग्राफिकल इंफोग्राफिक जो है एज अ डिस्कशन स्टार्टर भी यूज किए जा सकते हैं। कोई नया टॉपिक अगर आप स्टार्ट करें तो उसका ओवरव्यू आप दे सकते हैं। इट इज यूज फॉर विजुअलाइजिंग द डेटा ऑल्सो, और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इन्फोग्राफिक्स के। इन्फोग्राफिक्स जो होती हैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस कि आप छोटी सी इन्फोग्राफिक में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो आप डिलीवर कर सकते हो, वो आप उसमें कन्वे कर सकते हो जिस भी आप टारगेट यूजर को आप अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल में आप ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कम से कम इन्फोग्राफिक्स में आप दे सकते हैं, और इन्फोग्राफिक जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं वो अपीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। हम किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं हमें ये सबसे पहले ध्यान में रखना है, क्या हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, क्या हम टीचर्स के लिए कर रहे हैं, क्या हमारा टारगेट कुछ और है। तो जो भी हमारा टारगेट यूजर है उनको ध्यान में रखते हुए हमें इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करनी है, तो इट शुड बी अपीलिंग अकॉर्डिंग टू द टारगेट यूजर्स और रिटेंटिव होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं तो ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारा टारगेट यूजर है, क्योंकि हम टीचर्स हैं इसलिए हम बार बार बच्चों का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो बच्चों की जो नॉलेज है वो रिटेन रह सके इन्फोग्राफिक्स को यूज करने के बाद। अगेन इट इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इन्फोग्राफिक, जैसे आप देख रहे हैं
कि हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप में हमने बताया है डिफरेंस बिटवीन कॉफी एंड टी, चाय में और कॉफी में क्या अंतर है, दोनों की हमने जो है वो दिखा दिया है, दोनों में डिफरेंस दिखा दिया है और नीचे जो है डिफरेंसेस लिख भी दिए हैं। एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया है, ये सेंसस का एग्जांपल है जो मैप्स की फॉर्म में हम हमने दिखाने की कोशिश की है। एक फोटोसिंथेसिस की इंफोग्राफिक है, आप देख पा रहे हैं इधर राइट हैंड साइड में, नीचे एक दो टाइमलाइंस दे रखी है हमने, टाइम टू टाइम जो है क्या कितना डेवलपमेंट हुआ, ये एक एग्जाम्पल है, ये इंफोग्राफिक्स एज इट इज हमने लिए, ये हमने क्रिएट नहीं करी है, लेकिन क्रिएट कैसे करेंगे वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। इंफोग्राफिक क्रिएट करने के लिए कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप लोग यूज कर सकते हैं, एक है कैनवा जो आज हम करेंगे डिस्कस, इजिली है, वैंगेज है, पिक्टो चार्ट है, वाइज मी है, इंफोग्राम है, विजुअलाइज मी है, ये कैनवा का स्क्रीन है। जब आप कैनवा यूज करना स्टार्ट करेंगे तो सिंपली गूगल क्रोम में आपको लिखना होगा CANVA कैनवा, उसमें जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तब आपको ये स्क्रीन दिखेगा, ये स्क्रीन अपीयर होगा जिसमें के इंट्रोडक्शन होगा अबाउट कैनवा, कि कैनवा पे आप जो है क्या क्या कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टॉप राइट पे दो ऑप्शंस हैं, एक है लॉगिन का, एक है साइनअप का। इसमें सिंपली जैसे कि आप अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करते हैं या कोई अकाउंट न्यू क्रिएट करते हैं तो आप साइन अप कर करते हैं, उसी तरीके से इसमें आपको अकाउंट अपना क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने का फायदा ये है कि जब आप इसमें आपने अकाउंट से लॉगिन होंगे तो जितने भी आप क्रिएशंस होंगी, जितने भी आपकी इंफोग्राफिक्स होंगे, डिजाइन होंगे, टेम्पलेट जो आपने बनाया होगा, क्रिएट किया गया होगा, वो आपके अकाउंट में सेव्ड रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए लॉगिन करना जरूरी है। लॉगिन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे दो ऑप्शन पूछेगा, लेफ्ट हैंड साइड में है ये पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू कंटिन्यू विद गूगल, विद यू लाइक टू कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद ईमेल या अनदर वे, जैसे कि हम किसी भी नए सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं तो इसी तरीके से पूछता है। और राइट हैंड साइड में ये पूछ रहा है कि अगर आपका कैनवा पे अकाउंट है तो वो आपसे पूछ रहा है साइन इन टू कंटिन्यू टू कैनवा, तो जिस भी अकाउंट से आप लॉगिन करना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है, आप उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन अपीयर होगा, प्रीवियस स्लाइड में दिखाती हूँ मैं आपकी चैट भी देख रही थी साथ में, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। दिस वन वंदना मैम आप इसको बोल रहे थे शायद। लॉगिन करने के लिए हमने बताया कि आप दो तरीकों से लॉगिन कर सकते हैं, आप अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, फेसबुक आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि अगर ईमेल आईडी आपकी अदर देन जीमेल है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड में इसने पूछा है कि आप कैनवा के थ्रू आपको लॉगिन करना है, यानी कि कैनवा पे ही अगर आपने अपनी ईमेल आईडी साइन अप करके बना रखी है तो ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है, आप किसी भी आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन हमको दिखेगा, ये कैनवा का होम पेज है, ठीक है। इस होम पेज पे आप देख सकते हैं कि ये नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, देखिए सबसे पहले ये ध्यान दे रखा है व्हाइट बोर्ड है, प्रेजेंटेशंस है, या क्योंकि हम प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, सोशल मीडिया के लिए अगर आपको पोस्ट क्रिएट करनी है, वीडियोस क्रिएट करने हैं, प्रिंट प्रोडक्ट्स है, वेबसाइट है, ये अभी हम जब वेब पेज ओरिजिनल होम पेज पाएंगे तब आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पे कि हम आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। इस स्लाइड पे आप देखेंगे कि हमने ये बताया है कि आप टेम्पलेट्स को कैसे चूज करें, टेम्पलेट्स को कैसे सिलेक्ट करें, जब आप डिजाइनिंग करना स्टार्ट करेंगे
तो आप देखेंगे प्रीवियस स्लाइड में, सपोज यहाँ पे आपने कोई भी टेम्पलेट ले लिए, जो अलग अलग टेम्पलेट्स हैं कोई भी टेम्पलेट आप ले लेंगे, और या फिर आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन होम के नीचे, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे, एक सेकंड, एक कॉल आ रही है, सॉरी एक कॉल आ गया था अर्जेंट। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि हमें अगर टेम्पलेट्स क्रिएट करनी है तो हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे जो बॉक्स हमने हाईलाइट कर रखा है, ये बॉक्स की फॉर्म में हाईलाइट कर रखे हैं फीचर्स, उसमें सबसे पहला है ये टेम्पलेट्स का। टेम्पलेट्स पे क्लिक करते ही आपको अलग अलग डिजाइन जो है वो दिख जाएंगे यहाँ पे, जो भी अवेलेबल होंगे इसमें, और ये बहुत सारे होते हैं, यानी कि आप अपनी चॉइस जो भी आप इसमें डेवलप करना चाह रहे हो, आप कोई आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, आप कोई पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, कोई आप ग्रीटिंग कार्ड बनाना चाह रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए नंबर ऑफ टेम्पलेट्स जो है वो अवेलेबल है इस सॉफ्टवेयर में। तो टेम्पलेट्स अगर आपको सिलेक्ट करनी है तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा। उसके नीचे अगर आप देखते हैं कि एलिमेंट्स का ऑप्शन है, एलिमेंट्स में जो है अलग अलग तरह की इमेजेस हैं, अलग तरह की, जैसे यहाँ हम व्हाट्सएप पे इमोजीज यूज करते हैं उसी तरह के यहाँ पे जो है इमेजेस दिए गए हैं। तो एज पर योर नीड यू कैन सिलेक्ट द इमेजेस। उसके बाद ऑप्शन है अपलोड का। अगर आपने का सिस्टम में कोई ऑलरेडी कोई इमेज है या कोई भी फाइल है उसको अगर आप ऐड करना चाहते हैं अपने क्रिएशन में जो आप क्रिएट कर रहे हो तो वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन है, प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने का है, वीडियोस को ऐड करने का या प्ले करने का ऑप्शन है, और फिर आप ये देख रहे हैं डॉट्स हैं, इन डॉट्स पे भी जो है और ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं। देखिए ये जो सेकेंड है ये दिखाया है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में आपको इस तरीके की इमेजेस नजर आएंगी। फिर है वीडियोस, वीडियोस ऐड करने के लिए ऑलरेडी इसमें अवेलेबल कुछ वीडियोस हैं, लेकिन अगर ये वीडियोस आपको नहीं चाहिए और आपको अपने आपके पास कोई और वीडियो है जिसको आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ये अपलोड के बटन से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये आप देख रहे हैं गूगल स्लाइड्स, गूगल स्लाइड्स में भी जैसे कल मैम ने बताया था कि हम स्लाइड की हेल्प से भी ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक क्रिएट कर सकते हैं, इसमें आप एनिमेशन डाल सकते हैं, आप इमेजेस को मूव कर सकते हैं, आप जो है उसकी स्पीड को सेट कर सकते हैं, आप उनका जो रोटेशन है वो सेट कर सकते हैं। तो गूगल स्लाइड में भी बहुत ऑप्शंस हैं जिनकी हेल्प से जो है हम ग्राफिक्स या इन्फोग्राफिक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आते हैं कैनवा पे, कैनवा का हैंड्स ऑन अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं अभी अपना स्क्रीन फिर से शेयर करती हूँ जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैनवा को अगर आपको स्टार्ट करना है तो कैसे करना है। अभी तक किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
हाँ जी, आपने बहुत लोगों ने आपने रिस्पांस दिया है कि आपने कैनवा यूज किया हुआ है, अच्छा टूल है, वेरी गुड। गूगल स्लाइड्स भी यूज कर रखी है। कैनवा के अलावा वंदना मैम ने पूछा है, इजीली आप यूज कर सकते हैं, पिक्टो चार्ट है और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप इन्फोग्राफिक क्रिएट कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हमें सिर्फ गूगल क्रोम अपना खोलना है और इसमें हमें टाइप करना है कैनवा। ठीक है, कैनवा जब आप टाइप करेंगे तो सबसे पहला जो लिंक आएगा www.canva.com, आप इसको क्लिक करें। और आप देखेंगे कि इसका जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो मेरी लॉगिन आईडी आपको दिख रही है, लेकिन मैं आपको लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करना बताती हूँ। देखिए मैंने लॉग आउट कर दिया है और फिर ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं कैसे लॉगिन करना चाहती हूँ, या गूगल से करना चाहती हूँ, फेसबुक से, ये ऑप्शन है अलग अलग। या जैसे हमने बताया था, ये देखिए लॉगिन का ऑप्शन ऑलरेडी दिया गया राइट हैंड साइड पे और ये पूछ रहा है साइन अप के लिए। तो मैं अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करना चाहती हूँ, तो मैंने लॉगिन किया कंटिन्यू विद गूगल। आप लोग भी साथ के साथ कर सकते हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग भी साथ के साथ कर लें। सब लोग अपने डेस्कटॉप पे कैनवा ओपन कर लीजिए प्लीज। कैनवा की ऐप भी है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप मोबाइल के थ्रू कनेक्टेड हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोडेड है, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। और बहुत से लोग ने कैनवा यूज भी किया हुआ है और कुछ लोगों के पास डाउनलोडेड है। ये आगे हमारा कैनवा का होम पेज, आप इसमें देखिए। अब आपको डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है तो अब आपको ये देखना है कि आपको करना क्या है, क्रिएट क्या करना है, वो आपकी चॉइस है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस दी गई है, नंबर ऑफ टेम्पलेट्स हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, जिनका आप यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये है, यू माइट वांट टू ट्राई, लिखा है यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, लोगो है, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर, जो आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे स्टोरी बनाते हैं वो स्टोरी अगर आप क्रिएट यहाँ पे करना चाहते हैं, आप अपने मोबाइल के लिए फर्स्ट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, वॉलपेपर बनाना चाहते हैं, कोई A4 डॉक्यूमेंट अगर आपको डिजाइन करना है, ये प्रेजेंटेशन है, इन्फोग्राफिक के टेम्पलेट्स हैं। मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको, नंबर भेज दिया उन्होंने नहीं मुझे, ठीक है। ये जब हमने खोला तो ये जो ऑप्शंस दिए गए, यहाँ से आप कोई भी जो है टेम्पलेट ले सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं, या फिर आप देखेंगे जहां आपकी लॉगिन आईडी आ रही है इसके बराबर में क्रिएट अ डिजाइन का ऑप्शन है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको इस वाले मेन्यू में भी नजर आएंगे, व्हाइट बोर्ड, लोगो, फेसबुक पोस्ट, स्टोरी, फर्स्ट प्रेजेंटेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेजेंट वो है टेम्पलेट्स है,
जिनकी हेल्प से जो है आप क्रिएट कर सकते हैं इन्फोग्राफिक। और सेम ऑप्शन आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। थैंक यू। टेम्पलेट्स पे भी जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी नंबर ऑफ टेम्पलेट्स है, मतलब बहुत जितना जो आपको चाहिए इतने ऑप्शंस हैं यहाँ पे कि जब आप एक बार यूज करना स्टार्ट करेंगे तो जिन लोगों ने किया है वो अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। चैट बॉक्स में बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। तो ये टेम्पलेट्स बहुत है, आप एक्सप्लोर कीजिएगा जब आप इसको यूज करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टेम्पलेट्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी है, ब्राउज बाय सब्जेक्ट, ब्राउज क्लासरूम डेकोर किट्स, यानी क्लासरूम में अगर आप जैसे हम लोग चार्ट्स वगैरह नहीं बना लेते हैं उस तरह के, अगर आपको किट्स बनाने हैं तो उसके यहाँ पे ऑप्शंस है। और आपकी चॉइस के यहाँ पे डिजाइन नीचे दिए गए हैं यू में लाइक में। तो हम एक सब्जेक्ट का उठा लेते हैं, सब्जेक्ट में बहुत बेसिक सा डिजाइन एक आपको बना के बताऊंगी और फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसमें देखिए आप देख पा रहे होंगे मार्केटिंग है, बिजनेस है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस, साइंस, डिजाइन, आर्ट, सोशल स्टडीज। तो मैं फॉर एग्जांपल ये इंग्लिश का ले लेती हूँ। अभी अटेंडेंस फॉर्म हो जाएगा शेयर, परेशान मत होइए प्लीज, आपकी अटेंडेंस भी लगाए बिना आपको जाने नहीं देंगे। अटेंडेंस के लिए वो मत कीजिए, आप सेशन देख लीजिए प्लीज। तो इंग्लिश के टेम्पलेट जब हमने क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अलग अलग तरीके की जो है स्टाइल की टेम्पलेट्स आ गए हैं। आप ये देख पा रहे हैं सपोज जैसे कि एडवर्टीजमेंट्स लोग क्रिएट करते हैं कोचिंग क्लासेस का, या ये है वॉन्ट टू स्टडी अब्रॉड, ये है कोई अपना पर्सनल एडवर्टीजमेंट करना चाह रहा है कोई ट्यूटर, तो इसने अपना ये एक ये सिर्फ वो है एग्जाम्पल्स हैं, तो इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो इसमें से मैं एक उठा लेती हूँ टेम्पलेट, मीट द टीचर। अब आप इसमें एक चीज ये देखिए ध्यान से, इसमें बहुत सारे टेम्पलेट जो है वो पेड है, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि पेड है, ये हमें पता चलेगा इससे, ये जो आप देख रहे हैं ना क्राउन का सिंबल, इससे पता चलेगा कि ये टेम्पलेट जो है पेड है। तो हमें पहले ये देखना है कि जो फ्री टेम्पलेट्स हैं हम वो यूज करेंगे, प्रो वर्जन जो है हम यूज नहीं करेंगे। तो इस पे ये प्रो का आप देख पा रहे हैं, ये प्रो का सिंबल है, ये रुपीस का, ये भी पेड है। ये वाली हम देखते हैं, यस दिस टेम्पलेट इज फ्री, सो वी आर आल्सो फ्री टू यूज दिस। देखिए अभी पूछ रहा है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, हम अपने नीड के अकॉर्डिंग जो भी हम डिजाइन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको कस्टमाइज कर लेंगे। हमने ये टेम्पलेट खोल ली है, अब ये डी के ये हमको नहीं चाहिए, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन दबाएंगे। हमको ये टेक्स्ट भी नहीं चाहिए, हम इसे भी सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन दबा देंगे। और इस हैट का हम कुछ कर सकते हैं। तो अब हमें डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है, डिजाइनिंग स्टार्ट करने के लिए हम जाएंगे लेफ्ट मेन्यू पे, और लेफ्ट मेन्यू पे हमारे दिए गए हैं एलिमेंट्स। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ, इसकी हेल्प से मैं जितने भी फीचर्स आपको बता रही हूँ इन सारे फीचर्स को यूज करते हुए एक अच्छा सा इन्फोग्राफिक आपको क्रिएट करना है, ठीक है। मैंने एक टेक्स्ट सबसे पहले ऐड करा, My first template, या मैं इसको करती हूँ my first design, ठीक है। इसको हम अपनी template के size के according इसको हम
छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस हैट को उठा के हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। सेलेक्ट करके हम फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली आप अपने ऑफिस डॉक्यूमेंट्स में आप करते हैं, आप फॉन्ट का साइज बदल लीजिए, इसको आप बोल्ड, इटैलिक्स या कलर जो भी देना चाहते हैं वो आप कलर दे दीजिए। ये फॉन्ट स्टाइल्स है, ठीक है, इनकी हेल्प से जो है आप इसको ये अपर केस लोअर केस में बदल सकते हैं। ये अलाइनमेंट के लिए है, ये बुलेट्स हैं, ये इफेक्ट्स हैं, और ये फॉन्ट स्टाइल है, जो फॉन्ट स्टाइल आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, और ये फॉन्ट कॉम्बिनेशन आप देखेंगे नीचे फॉन्ट के अलग अलग जो है वो कॉम्बिनेशंस भी आ रहे हैं, तो इनका भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव आप बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि हमने जैसे बताया फीचर्स में, हमारी जो इन्फोग्राफिक है वो अपीलिंग होनी चाहिए, जिस भी टारगेट ऑडियंस के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उन्हें समझ में आनी चाहिए और उन्हें अट्रैक्ट करनी चाहिए। तो इसमें हम इन्फोग्राफिक हम क्रिएट कर रहे हैं, और सर्च बार की हेल्प से आप अपने चॉइस का जो एलिमेंट है वो आप सर्च कर सकते हैं। सपोज मैं कर रही हूँ एप्पल सर्च, तो यहाँ पे एप्पल्स के आपको एलिमेंट्स अलग अलग तरह से दिखने लग जाएंगे, और जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें से एक ले सकते हैं। और इसमें भी आप देखेंगे कि कुछ प्रो वर्जन्स है, तो जो फ्री वाला है वो ही आप यूज करें। मैंने ये वाला यूज कर लिया है, इसको मैं रिसाइज कर लूंगी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग, और इसको हम प्लेसमेंट दे देंगे कि हमको कहाँ से प्लेस करना है। टेक्स्ट डाल दूंगी मैं, टेक्स्ट ऐड करना है मुझे सब हेडिंग के तौर पे, तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं प्री प्राइमरी के लिए बना रही हूँ एक डिजाइन, कि मैं अपनी जो मेरी प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, मेरे नर्सरी के बच्चे हैं, उनको मैं आइडेंटिफाई कराना चाहती हूँ कि ए से क्या होता है, बी से क्या होता है। तो आप अपनी क्लास जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उस पे बेस्ड डिजाइन कर लीजिएगा। टेम्पलेट्स में एलिमेंट्स में गए और हमने सर्च करा मॉल, एक कलरफुल सी बॉल एक हमने ले लिया बच्चों के लिए, कोई छोटे बच्चे कलर्स को देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं। इसको आप अपने टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जो है प्लेस कर दीजिए। ठीक ठीक यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे टेम्पलेट का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल वाइट है, आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं जितना आप इसको कलरफुल बनाना चाहें, या आपके ऊपर है। टेक्स्ट ऐड कर दीजिए, सब हेडिंग, और इन टेक्स्ट का जैसे जो भी आप इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं टेक्स्ट में तो वो आप कर सकते हैं। फिर हमें अगला एलिमेंट चाहिए, हम फिर एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, C4 कैट ले लेंगे, ये एक छोटे बच्चों के हिसाब से लग रही है थोड़ी सी अच्छी, तो हम ये वाली उठा लेते हैं। टेक्स्ट स्टार्ट कर दीजिए, सब हेडिंग, और टेक्स्ट को जो है ड्रैग करके आप इसके सामने ला सकते हैं।
अब आप देख रहे हैं कि ये तीन ग्राफिक्स में जो है मेरा पूरा ये टेम्पलेट जो है भर गया है। अब मुझे एक और पेज की जरूरत है, तो नीचे ऐड पेज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ऐड पेज करके जैसे हम क्लिक करेंगे एक और पेज ऐड हो जाएगा, या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं टॉप राइट में ये प्लस का निशान है, जब इस पर आप अपना कर्सर लेकर आएंगे तो ये पूछ रहा है ऐड पेज, यहाँ से भी आप पेज ऐड कर सकते हैं। देखिए हमने क्लिक करा, एक पेज और ऐड हो गया, ठीक है। और ये जो मैं ऊपर से दिखाती हूँ जाके, फर्स्ट स्लाइड में जो मेरा पहला ये है टेम्पलेट है, इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक लॉक है, लॉक के बाद एक ये डुप्लीकेट पेज है। डुप्लीकेट पेज का यूज ये है कि अगर सिमिलर पेज मुझे एक और चाहिए तो मैं डुप्लीकेट पेज पे क्लिक करूंगी और सिमिलर मेरा जो टेम्पलेट है वो क्रिएट हो जाएगा। और ये है डिलीट बटन, अगर कुछ डिलीट आपको करना है या पूरी ही क्रिएशन आपको डिलीट करनी है तो आप सेलेक्ट करके डिलीट दबाएंगे और डिलीट हो जाएगा आपका जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐड पेज पे फिर मैं कुछ और आपको एलिमेंट्स ऐड करके दिखा देती हूँ कि कैसे आप करते। सपोज मैंने ये मुझे नहीं चाहिए जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो मैं देखना चाहती हूँ। यहाँ पे देखिए सर्कल्स अगर आपको चाहिए, लाइन चाहिए, स्टार चाहिए, हार्ट, फ्रेम, स्क्वायर, एरो, फ्लावर एटसेट्रा, ये नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं जिन पे भी आप क्लिक करेंगे उसी तरह की जो टेम्पलेट है वो एलिमेंट है वो निकल के आ जाएगा। जैसे मैंने मून अगर चूज करा तो देखिए अलग अलग इमेजेस आ गई मून की, और फिर उसमें भी ये पूछ रहा है कि आपको फुल मून चाहिए, क्रीसेंट मून चाहिए, मून के फेजेस चाहिए, मून की आउटलाइन चाहिए। तो इस तरीके से जो है ना इसमें बहुत बहुत ज्यादा जो है स्कोप है अपनी इन्फोग्राफिक को ज्यादा अच्छा बनाने का, बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं। तो इसको आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ट्राई कीजिएगा। अब एक मैं एग्जांपल आपको दिखाती हूँ अपलोड का। ऑलरेडी मेरे पास कुछ बना हुआ है मेरे सिस्टम में, या तो मेरी ड्राइव में होना चाहिए या ड्रॉप बॉक्स में होना चाहिए, सोशल मीडिया पे भी अगर है तो वहां से भी आप जो है उठा सकते हैं, ठीक है। अपलोड आप इमेज कर सकते हैं, आप वीडियो कर सकते हैं, आप ऑडियो भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऑप्शन आ रहा है रिकॉर्ड योरसेल्फ का, जब आप रिकॉर्ड करें, अगर आपको अपनी रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप अपनी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कैनवा में। तो ये मुझसे पूछ रहा है यूज योर कैमरा, लेकिन अभी मुझे नहीं करना है तो मैं इसे कैंसिल कर दूंगी। ठीक है, मेरा लैपटॉप जो रीस्टार्ट हो गया है, मैं दूसरे सिस्टम से आती हूँ। प्राची मैम के सिस्टम से फिर से स्टार्ट करती हूँ। अभी तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप प्लीज पूछ सकते हैं, मतलब चैट बॉक्स पे लिख लीजिए।
आगे स्क्रीन वापस से लॉगिन करते हैं, एक बार और देख लीजिए आप लोग कैसे किया है लॉगिन। तो ये जीमेल आईडी से हमने लॉगिन कर दिया है, हम टेम्पलेट डिजाइन कर रहे थे। आपको स्क्रीन दिख रहा है ना, मैंने थोड़ा सा इसको मिनिमाइज किया है, आप लोगों को फिर भी क्लियर है ना? कैनवा को जब आप यूज करते हैं तो उसका एक और बहुत अच्छा फीचर ये है कि जैसे जो भी आपने क्रिएट किया है, जो भी आपकी क्रिएशन है, आपने चाहे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आपने टेम्पलेट्स बनाए हैं या कुछ भी अगर आपने डिजाइनिंग इसमें की है तो वो इसमें सेव रहता है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं जब हम गूगल ड्राइव में करते हैं ना कोई भी काम, तो उसे हमें बार बार सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि हम किसी अपने कंप्यूटर की ड्राइव में करते हैं, सी ड्राइव में या डी ड्राइव में या फिर एमएस ऑफिस के थ्रू करते हैं, तो हमें बार बार सेविंग की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली जब आप कैनवा में आप कोई डिजाइनिंग कर रहे हैं तो वो आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो ऑलरेडी सेव रहेगा अगर आपने लॉग इन करके अपना काम किया है तो। ठीक है, और इसका एक और फीचर मैं आपको बताती हूँ। इसमें सपोज अगर आप प्रेजेंटेशंस बनाना चाह रहे हैं तो हम प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। ये सब चीजें, इसमें बहुत ऑप्शन है, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आपको एक्सप्लोर करना है कि आप इसका मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो जब हम प्रेजेंटेशन के लिए हमने क्लिक करा तो इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके की टेम्पलेट्स आ गई हैं। जैसे कि जब हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो अलग अलग तरह की स्लाइड्स के डिजाइन आते हैं, उसी तरीके से इसमें भी जो है डिजाइन्स आ गए। तो अब जो डिजाइन आपको चाहिए, जो लेआउट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो लेआउट आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं, आप कोई भी डिजाइन ले लीजिए। ठीक है, मैंने वो एक डिजाइन लिया ब्लू कलर का जो आप देख रहे हैं। तो ये अलग अलग तरह की जो इसके फर्दर डिजाइन है इसमें वो हमको दिखने लगे, और हम अभी ये दिखा रहा है हमें 11 स्लाइड के प्रेजेंटेशन, तो ये पूछ रहा है अप्लाई टू अप्लाई ऑल 11 पेजेस। ये हमने क्लिक करा और हमारी पहली स्लाइड जो है वो आ गई। ठीक है, अब इसको जो है आप एडिट कर लीजिए। कैनवा पे बना रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है पीछे कैनवा लिखा, बाकी आपकी जो स्लाइड का टॉपिक है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं फर्स्ट कैनवा प्रेजेंटेशन, और ऐसे ही आप अपने टेक्स्ट को जो है एडिट कर सकते हैं। इसमें हम कर लेते हैं व्हाइट, ही इसमें विजिबल होगा व्हाइट कलर।
यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक बबल सा आइकन आ रहा है, इस बबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस बबल की हेल्प से आप कोई भी कमेंट अगर आप यूज करना चाह रहे हैं, कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो कमेंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अभी मैं पहले लिखती फिर बताती हूँ कि मैं क्यों लिख रही हूँ ऐसा। ठीक है, मैंने एक ये कमेंट लिखा, यू कैन एडिट एज पर द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ये कमेंट मैंने क्यों ऐड करा, ये मैंने इसलिए ऐड करा क्योंकि जैसे कि जब हम गूगल ड्राइव पे काम करते हैं तो हम अपनी ड्राइव में जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं या पीपीटी बनाए हैं वो हम अपने साथियों के साथ या किसी और के साथ हम शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली कैनवा पे भी जब आप कोई काम कर रहे हैं तो वो काम भी आप दूसरे लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और शेयर करने के लिए ऑप्शन सेम ऐसे ही जैसे गूगल ड्राइव में होता है, ये शेयर बटन आप जो देख रहे हैं यहाँ से आप इस प्रेजेंटेशन को या जो भी आपने क्रिएट करा है उसको आप शेयर कर सकते हैं अपने साथियों के साथ या जिनके भी साथ आप शेयर करना चाहते हैं। तो सपोज मैंने एक पीपीटी बना ली और ये मैं अपने किसी साथी के साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैंने यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर दिया कि भाई तुम्हें जिस डेट में ये करनी हो उस डेट के अकॉर्डिंग जो है उसको ऐड कर लेना, तो मुझे उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिंपल या उसको ये कमेंट जो है दिख जाएगा जो भी जिसके भी साथ हमने शेयर किया होगा। ठीक है, तो जैसे गूगल ड्राइव में हम काम करते हैं कैनवा भी मोस्टली वही सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। एक और ऑप्शन है इसमें, एक मैंने इन्फोग्राफिक की टेम्पलेट खोली, इन्फोग्राफिक में हम सपोज ये मैंने चूज कर लिया और आप ये देख रहे होंगे मैंने इसको एडिट कर लिया एज पर माय चॉइस। ठीक है, ये कोई प्रोसेस एक्सप्लेन अगर करना हो तो ये वाली टेम्पलेट जो है आप उठा सकते हैं। आपने पूरी इन्फोग्राफिक बना ली, पूरा आपका जो है ये टेम्पलेट रेडी हो गया, आपको पेज ऐड करना है तो वो भी आपने कर लिया। अब आप ये चाहते हैं कि मैं ये शेयर कर दूं, शेयर बटन की मदद से आप जो है अपने साथी के साथ जो है जिनके साथ भी आप करते हैं, सपोज आप अपने स्कूल में अपने प्रिंसिपल के साथ या अथॉरिटीज के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, आपने शेयर बटन दबा के जो है यहाँ पे या तो उस पर्सन का नाम लिखेंगे या ग्रुप का नाम आप लिखेंगे और आप जो है लिंक भी कॉपी कर लिंक कॉपी करके लिंक भी शेयर कर सकते हैं। आपने ये प्रेजेंटेशन उनके साथ शेयर कर दी, ठीक है, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि अब मेरी इस प्रेजेंटेशन को कोई छेड़े ना, मैंने बहुत अच्छी बनाई है और मैं नहीं चाहता कोई इसमें इंटरफेयर करे, तो आप इस पूरे प्रेजेंटेशन को जो है लॉक कर सकते हैं। ठीक है, इसके पार्ट्स को भी लॉक कर सकते हैं और उस इस पूरी टेम्पलेट को भी आप लॉक कर सकते हैं। अगर पूरी को करना है तो आपको पूरी को ऐसे सिलेक्ट करना होगा और ये लॉक बटन पे जाके आप जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप ताला जो है बंद हो गया। ठीक है, अब इस ताले को बस आप ही खोल पाएंगे, आप ही एडिट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इसका जो है कोई एक पार्ट आप चाहते हैं कि ये मैंने बहुत अच्छा बनाया, मैं नहीं चाहता इसे कोई और एडिट करे, तो मैं इसके एक पार्ट को सिलेक्ट करूंगी और ये जो आप देख रहे हैं ताले का निशान यहाँ पे अपियर हो जाएगा, इसको मैंने क्लिक करा और ताला बंद, अब कोई और इसे एडिट नहीं कर पाएगा, ये मेरी क्रिएशन है, इस वाले पार्ट को कोई और नहीं करेगा, बाकी के पार्ट को तुम्हें जो करना है कर लो। ठीक है ना, तो ये एक बहुत अच्छा इसका फीचर है कि आप ये दूसरे को राइट दे रहे हैं कि वो उसे एडिट करे और अगर आप नहीं चाहते तो आप राइट नहीं भी दे सकते, आप पूरी क्रिएशन जो है अपना आप ही को राइट होगा कि आप ही उसे एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं कैनवा में, तो अभी तक मैं देखती हूँ कि शेयरिंग का मैंने बताया, मैं अभी आपका चैट बॉक्स खोल के देख रही हूँ कि कोई क्वेश्चन तो नहीं आया है।
कैनवा का आप खोल सकते हैं, आपने पूछा है कि कब कैनवा पे आपने बनाया है, तो आप अपने जीमेल से लॉगिन करके बना रहे हैं ना, तो आप किसी भी सिस्टम पे आप खोल सकते हैं। आप ये पूछना चाह रहे हैं शायद कि मतलब विंडोज का वर्जन से कोई इशू तो नहीं होगा। और एक सवाल आया है शेयरिंग का, हाँ प्लीज टेल अस हाउ टू शेयर आवर टेम्पलेट, वो मैंने बता दिया, शेयर बटन यहाँ पे ऊपर अपीयर हो रहा था जब हम क्लिक कर रहे थे। अच्छा एक बार मैं करके बता देती हूँ आपको। आपने बना दिया, डिजाइनिंग कर ली, और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये शेयर का बटन आ रहा है, जैसे कि गूगल ड्राइव में शेयर करते हैं सिंपल वैसे ही आएगा। शेयरिंग पे आपने क्लिक करा, मैं यहाँ पे शेयर करना चाह रही हूँ किसी के साथ, तो मैं एक ईमेल आईडी डाल देती हूँ। ठीक है, मैं इस ईमेल आईडी के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कोई मैसेज भी लिख दूँ, तो यहाँ पे जो है हम मैसेज भी टाइप कर सकते हैं और शेयर कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये अगला पर्सन जिसके भी साथ आप शेयर कर रहे हैं वो उसके पास अगर कैनवा होगा तो कैनवा पे ये प्रेजेंटेशन खुल जाएगी, लेकिन अगर उसके पास कैनवा नहीं होगा, डाउनलोडेबल कैनवा में उसका अकाउंट नहीं होगा, तो वो फिर इनवाइट उसके पास जाएगा कि आप जो है इस टीम को ज्वाइन कर लीजिए, कैनवा को जो है कैनवा पे अपनी ईमेल आईडी बना लीजिए, और ये फिर मैं यहाँ से हमने जो है हमने सेंड कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये टीम में इन्वॉल्व नहीं है ये ईमेल आईडी, तो इसलिए ये पूछ रहा है इनवाइट टू टीम, तो हम टीम में इनवाइट कर लेंगे। और लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं, आप पूरी प्रेजेंटेशन अपना शेयर नहीं करते, जैसे कि हम गूगल ड्राइव में करते हैं लिंक शेयर कर लेते हैं, ड्राइव लिंक, उसी तरह प्रेजेंटेशन का आप लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे आप इस एज अ पोस्ट अगर आप सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सकते हैं, डिजाइन को प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और भी नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इन सबको जो है एक्सप्लोर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कोई और क्वेश्चन किसी का। लिंक मैंने आपको बताया ना, लिंक जनरेट कहाँ से करें, जब शेयर बटन आप क्लिक करेंगे तो उसमें मैंने बताया ना कॉपी लिंक का जो ऑप्शन है, कॉपी लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वो लिंक आ जाएगा, वो लिंक आप कॉपी करके अपने साथी के साथ शेयर कर सकते हैं। एनिमेशन तो सिंपल भी, जैसे आप गूगल स्लाइड में नहीं करते एनिमेशन, इसमें एनिमेट का ऑप्शन था वैसे ही एनिमेशन क्रिएट करनी है, लोगो आप ठीक, ऐसे तो बहुत सारी चीजें, लोगो ऑफ कैनवा, ये कैनवा का लोगो अभी हमने आपके सामने डिलीट करके देखा ना, बैकग्राउंड में जो आ रहा था वो नहीं रहा था, बाकी का टेक्स्ट जो था वो डिलीट हो रहा था, तो इसका जवाब दे ही दिया है किसी ने, लाइसेंसिंग अगर है तो। और एक सवाल आया है कि किसी और फॉर्मेट में हम कर सकते हैं क्या एक्सपोर्ट इसको, तो इसको सर जब आप सेव करेंगे ना अपनी प्रेजेंटेशन को, तब अब ये हैंड्स ऑन में कुछ सवाल आप ही के लिए छोड़ रही हूँ, अभी टी ब्रेक के बाद हम फिर मिलने वाले हैं। ठीक है, इसको आप ट्राई कर लीजिए कि हम सेव जब कर रहे हैं तो किस किस फॉर्मेट में ये सेव हो रहा है, मतलब मैं इसका आंसर अभी नहीं कर रही हूँ, ये एज अ क्वेश्चन आपको दे रही हूँ वापस जावेद सर। हाँ जी, जब आप डाउनलोड करेंगे लैपटॉप पे करेंगे तो लैपटॉप ही सेव होगा सर जाके। सेव करने के बाद आप कर सकते हैं कैनवा में ही, अगर आपने सेव करी हो फिर आप दोबारा खोल रहे हैं आप ही, क्योंकि आप ही ओनर हैं तो आप उसको एडिट कर सकते हैं अपनी टेम्पलेट्स को।
आप लोग की अटेंडेंस का लिंक आया है, तो अटेंडेंस कर दीजिए, मैं भी हूँ, मैं आपके सवाल देख रही हूँ। दिनेश सर आपका हैंड रेज्ड है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? राजेश सर चैट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिए, अगर आपने अगर आपको ये राइट सही है कि आप अपना माइक ऑन कर सकें तो। मैम आई हेलो दिस इज राजेश, मैम आई जस्ट वांटेड टू नो कैनवा में किसी भी फॉर्मेट में पेज नंबर ऐड करने का ऑप्शन है क्या? आई हैव ट्राइड इट बट आई एम नॉट। हां एक सेकंड सर, हेलो। हाँ जी सर, मैम मेरा सवाल इतना सा है। हाँ हाँ मैं सुन लिया आपका सवाल, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें जो है हम पेज नंबर ऐड कर सकते हैं या नहीं ऐड कर सकते जी, तो जैसे कि मैंने बताया सर वो हेडिंग्स ऐड हमने की थी ना, इसी तरह सब हेडिंग का ऑप्शन है। एक सेकंड okay. आपको मैं दिखा रही हूँ। But that means we have to मतलब हमें individualize करके एक-एक page पे डालना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं ना, add a little bit of body text, ये last वाला जो है, तो इसमें मैनुअली आप कर सकते हो, अदरवाइज एक बार आप और एक्सप्लोर कर लेना कि इसमें हम जैसे वर्ड में डाल देते हैं उस तरीके से नंबर। I have been using Canva for a long time but I could not find this option, maybe शायद मैंने सोचा इसलिए पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, कोई नहीं, कई डाउट्स तो आपके सवाल से हमारे क्लियर होते हैं, क्योंकि जब इतना वास्ट इसमें वो होता है ना ऑप्शंस, तो वही होता है कि कभी कभी हम भी सारे ऑप्शंस जो है सारे फीचर्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, तो आपके सवालों से ही जो है हमें भी सीखने का मौका मिलता है, इसलिए हम कहते हैं कि सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक सेकंड सर, एक सेकंड मैम। हाँ जी आलोक, मैं सुरेंद्र पाल सिंह राठौड़ राजस्थान से। मैम ये कैनवा के लाइसेंस के बारे में बताएं। मैम कैनवा के लाइसेंस के बारे में बताएं, आप मुझे सुन रहे हैं क्या? तो सर बस एक दो सवाल और हम लेंगे लाइसेंसिंग का सर, आप इसी के आप जाके देखिएगा इस सॉफ्टवेयर में कि लाइसेंसिंग क्या दी गई है, ठीक है? मैं मुझे भी बहुत ज्यादा मैं श्योर नहीं हूँ, मैं एक बार देख लेती हूँ, मैं भी आपके सवाल का जवाब तभी दे पाऊंगी, क्योंकि मैंने लाइसेंसिंग इसके अभी चेक नहीं की है, आप भी एक बार देख लीजिएगा सर, मैं इसको देख लेती हूँ, ठीक है? और एक सेकेंड एक सवाल और, उसके बाद फिर आप लोग चाय पीजिएगा, हम लोग भी चाय लेंगे। मैम हेलो। हाँ जी 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 मैं सुन रही हूँ। एक सवाल था ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को कलर कर सकते हैं क्या? इसमें मैंने बताया था सर कि एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, वो आप ब्लैक एंड व्हाइट कर लो या कलर कर लो। ब्लैक एंड व्हाइट इमेज मतलब वो तो फिर वो हो गया फोटो एडिटिंग सर, वो तो आई डोंट थिंक इसमें हो सकेगा। ब्लैक एंड व्हाइट आपने डाल दिया और उस पर इमेज कर, लेकिन कलरिंग ऑप्शन इसमें है, कैनवा में कलरिंग ऑप्शन दिए गए हैं। जी बताइए अगला सवाल। मैम मैं किशन गुर्जर राजस्थान से पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी अभी आपने जो एक दो वो बनाई थी स्लाइड बनाई थी, तो ऐसी कोई कंप्लीट मतलब जो हाई मतलब हाई ग्राफिक डिजाइन की कोई स्लाइड बना के आप एक बार बताएं तो थोड़ा हम ज्यादा सीख पाए।
ये मैंने आपको सैंपल दिया था सर, और ये जो हाई डिजाइनिंग वाली है ना, इसके सबके सैंपल उसमें पड़े हुए हैं। जैसे मैं आपको बार बार स्क्रॉल करके दिखा रही थी, उन सैंपल्स को बेस मान के आपको जो डिजाइन करना है वो आप कर सकते हैं। सपोज आप अपने स्कूल के लिए न्यूज लेटर बना रहे हैं, है ना, तो न्यूज लेटर्स के डिजाइन भी उसमें दिए गए। अब वहां पे जहाँ इमेज दी गई है उधर आप अपना इमेज डाल दीजिए, जहाँ टेक्स्ट दिया गया है उनका टेक्स्ट हटा के आप अपना टेक्स्ट डाल दीजिए, तो उसको बेस मान के आप रीडिजाइन कर सकते हैं। तो हाई क्वालिटी डिजाइनिंग, सॉरी हाई डिजाइनिंग जो है वो भी उसमें अवेलेबल है टेम्पलेट्स में। ठीक है सर। अच्छा मैम, कोई ऐसा एक मतलब अपन बना के नहीं देख सकते यहाँ पर कि सर ये मैं आपको दे रही हूँ ना हैंड्स ऑन में, अभी तो ये हमारा खत्म हो गया थ्योरी और हैंड्स ऑन मैंने किया है तो अब हैंड्स ऑन आपको करना है। मैडम टेम्पलेट को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? सर मैंने बताया था ना राइट हैंड साइड में जहाँ हमारा लॉगिन का, जब हम लॉगिन करेंगे तो हमें अपनी आईडी दिखेगी, उसी पे आप शेयर का जो बटन है, शेयर के बटन को आप क्लिक कीजिएगा, उसमें नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, तो सर अब आपको करना है, अब हम टी ब्रेक के लिए अभी इस सेशन को खत्म करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो रही है और आप अटेंडेंस अपनी